एक बार फिर स्वागत है मलिक फैमिली ब्लॉग में। और आज दिन की शुरुआत हो रही है काजोल की मशक्कत के साथ। काजोल ने अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है और ये है सुबह इन्होंने बनाया मक्खन, ये है ये घी बन रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये घी बन रहा है जो मक्खन अभी काजोल ने निकाला था, और ये पनीर के लिए तैयारी है, और ये पनीर की तैयारी हो रही है। वेस्ट कुछ नहीं जाने देंगे। वेस्ट कुछ नहीं। और आज सुबह लेट हो गए थे उठने में, क्योंकि वहां गए थे तो थकान हो गई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से रात को सोई भी लेट। मैं तो खैर लेट ही सोया था, लेकिन आज फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। और काजोल अपने काम में सुबह से लगी चुकी हैं, ये आज मुझसे पहले उठ गई थी। है भाई, आज तो मुझसे पहले भी सवाल हो गया कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। है। सही बात है। क्या हो गया? कुछ दादा अच्छा, मैं नहा चुका हूँ, नहा वगैरह बिल्कुल रेडी हूँ, और काजोल ने नाश्ता भी बना दिया है। और काजोल ने आज नाश्ते में क्या बनाया है? हरे वाले पराठे, रोटियाँ, क्या की रोटी है पालक की, और साथ में है चाय, और ये बटर वही है जो भी सुबह काजोल ने बनाया था, वह मज़ेदार। भाई वाह बेटो, घी पे थोड़ा सा हाथ रख, कम रखो भाई। कम कर दो, हाँ कम कर दो। कम कर दो, अरे रोटी पे से उतारू क्या? बस यही ये बाकी हो रह गया था, बस देखना। बाकी हो रह गया तो देखना मतलब क्या है इस बात का? उसको रखो ही मत ना। अरे तो उतार देती हूँ। नहीं रख दिया। उतरना नहीं है, रख गया तो रख गया। ऐसे नहीं होती है। अब बताओ बात हो गई है, उसमें से उतार रही है वो। चलो जब करते हैं नाश्ता। अभी बताती हूँ दीदी, देखो आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं और जबरदस्ती रखवाते हैं। देखो आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम, ऐसे नहीं होता है। हाँ मैं तो अभी आया, मैं तो अभी देखा है, बेकार की बात कर रही हो तुम। तबीयत तुम्हारी ठीक है? नहीं हो जाएगी, इतनी ठीक हो गई तो बाकी भी हो जाएगी। हाँ ये पनीर बन गया? पनीर पनीर बन गया या है? पनीर बन गया या पनीर बन गया? पनीर बन गया। अच्छा ठीक है, तो मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो है? नहीं, वैसे वैसे बस जस्ट चौकी, जस्ट जोकिंग, मतलब मेरी बीमारी तुम्हारे लिए जोक है? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, देखो ऐसे बात नहीं करो। बच्चों कभी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। अरे मैं कब बना रहा हूँ? हाँ बता रही हूँ मैं। ये तो ऐसी बात करती रहती है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहता है इनके। चलो जी, हाँ नाश्ता कर रहा हूँ मैं, अब मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं बेकार की बात नहीं करते। हाँ चलो रख रहा हूँ मैं, बाय। गाइस चल दिए हैं हम गांव, और गांव कौन से, मेरे गांव। क्यों? क्योंकि यशांश की पड़ गई है छुट्टियां, और यशांश का मन है इस बार छुट्टियां अपने नाना नानी के साथ व्यतीत करने का। तो उसने कहा कि माँ मुझे गांव छोड़ के आओ। मैंने कहा चलो भैया छोड़ जाते हैं। हम तो जा रहे थे सुबह 6 बजे, सुबह कुल्लू सुबह जल्दी रेडी हो गया था, और यशांश भी कि बस से जा रहे हैं। मैंने कहा ना बेटा बस से मत जाओ, बहुत ठंड है, तो चल हम छोड़ जाते हैं। और आज विकास ने कर लिया छुट्टी, क्योंकि कल से परसों से न्यू मंडे से न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, और छुट्टियां इनकी अभी बची हुई हैं, और वो छुट्टियां इनकी कैरी फॉरवर्ड कुछ ही होंगी, अदरवाइज लैप्स हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है छुट्टी करता हूँ आज, और हम छोड़ जाते हैं बस में, धक्के नहीं खाने कहीं भी। तो चलो जी चलते हैं गाँव, इसे छोड़ के आते हैं, और देखेंगे ये कैसे रुकेगा वहां। मम्मी को परेशान तो नहीं करेगा, पापा को परेशान तो नहीं, परेशान मत करिए भाई, पहले तो देख लो वहां रुकेगा भी रुकेगा भी या नहीं रुकेगा। कह रहा आप चल रही हो ना तो मैं देखूंगा रुक के शाम तक कि मेरा मन, मैंने कहा मेरे रहते तो तेरा मन लग ही जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगी इस बार इसे छोड़ने की, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी आदत पड़नी चाहिए। तो लेट्स गो। इस कोहरे ने कमाल ही कर रखा है। उतरने का नाम ही लेगा कतई नहीं, अब तो खैर रहेगा ये 26 जनवरी तक। कल सुबह से कोहरे कोहरे।
कल सुबह तक गोरे भैया हो सकता है कैमरे में इतना अच्छे से ना रहा हूँ लेकिन बाहर से दिख रहा है बेहतरीन। हम गांव पहुंच गए और गांव में आकर के तो मौसम ही अलग हो रहा है और ठंड हो रही है और ठंड भी ऐसी कैड़ी वाली ओस बरस रही है, सड़क पूरी गीली पड़ी है और ठंड अलग ही है, नेक्स्ट लेवल ठंड है। मजा आ गया ठंड में तो। अमी नमस्ते। और यहाँ आती क्रिकेट चालू हो गया है, कैच। अरे क्या करने लगी अभी तुम? चूल्हा बाड़ा है, चूल्हा बाड़ा चूल्हा जला दिया और ये ताप रहे बैठे हुए। यहाँ क्या लग रहा है कि यहाँ भी ठंड है और तापने की भी जरूरत है अब, है ना? वहाँ नहीं इतनी ठंड, ना वहाँ नहीं तो वहाँ खबाई खास उपड़े फिर जाम भी मतलब ही। और क्या सही बात है, ठंड तो यहाँ है। हाँ गांव में हम आ गए हैं और गांव में घर से ही तय करके आए थे कि आज गांव में जा करके खाएंगे हम काली दाल की खिचड़ी। और काली दाल की खिचड़ी क्यों खाएंगे? क्योंकि कल मैं गया था गांव, वहाँ से मैं लेकर के आया था चावल नए वाले जो खिचड़ी वाले होते हैं, तो वो चावल लेकर के आया था। तो वैसे तो आज वहीं पर घर भी बनाने थे लेकिन जब प्रोग्राम यहाँ का बन गया तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, बोले यहाँ आए तो चलो यहाँ खा लेते हैं। चूल्हे पे बनी, चूल्हे की बनी हुई। तो अभी काजोल अपने काम में लग चुकी हैं और ये चावल साफ कर रही हैं और उसके बाद उधर पानी तो मम्मी मैंने तो चावल मांगे, मैंने कहा लाओ दे दो मैं साफ कर दूं जब तक बैठे बैठे। हाँ उधर पानी उबल रहा है, वो भी खिचड़ी के लिए उबल रहा है ना वो। हाँ खिचड़ी के लिए। ये तो भी हो गए चावल साफ, हो गए। हाँ चावल साफ हो गए, एक बार और कर लो ऐसी, अभी हो ही नहीं ज्यादा अच्छे से होंगे बेटे, गोने तो सब उठ गए, ये तो भूसी सी है वो धूल के ऊपर आई। बन गई दादी चावल, बन गए दाल चावल और इतनी तेज आंच होगी कि सारी निकल के बाहर एकदम से। मम्मी आई भाग, वो अब धीरे धीरे बनने दे। हाँ हल्की आंच पे बनती रही है, चूल्हे की आंच मैनेज करना ही इतने मोटी हुए धीरे धीरे ही हो पाएगी। सही बात। चाय पियो, चाय आ गई। हाँ चाय आ गई, चाय है और लड्डू। देखो फिर निकल गई। फूक मार दो उसमें, फूक मारने की जरूरत ना है। फाइनली बन गई खिचड़ी, अब खाई जाएगी नए चावलों की। बन गई। हाँ नए चावलों की खिचड़ी बन गई पापा, खिचड़ी बन गई। हाँ लाओ मंगवाओ करो प्लेट में जल्दी, अभी तो चाय पी रुक तो जाओ 10 मिनट। हाँ 10 मिनट बात कर लेंगे। एक नंबर खिचड़ी तैयार, ये देखो बढ़िया चूल्हे की खिचड़ी भाई वाह मजेदार। इसका तो इंतजार रहता है क्योंकि चूल्हे की खिचड़ी में और जो घर पे हम गैस पे बनाते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। और अब इसे खा लेते हैं इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। चल दिए गाइस हम गांव से अपने घर के लिए और छोड़ दिया है हमने शुभी को गांव में, पता नहीं रुकेगा या रोएगा। बराल जब आया जब तक मुँह से उतारा था तो गुल्लू ने कहा जा रहेगा तू, कह रहा नहीं नहीं रुक जाता हूँ मामा जी, अब पता नहीं रुकेगा या मैं कल को फिर बुलावेगा, तो देखते हैं रुक पाएगा नहीं। पहली बार छोड़ा है मैंने उसको, या तो निशु होती है या तो मैं होती हूँ, और इस बार ना निशु है ना मैं हूँ, तो देखूंगी कितना रुकेगा कितना नहीं। तो चलो जी अब चल रहे अपने घर।